छतरपुर जिले के नौगांव थाने के बस स्टैंड क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने अलापता रहे चार लोगों को कुचल दिया है, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे के बाद मौके से पिकअप वाहन चालक फरार हो गया है, वहीं पुलिस पिकअप वाहन को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। कल लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने एक पिकअप वाहन है सफेद रंग का, वो कुछ लोगों को गाड़ियों को रौंदते हुए तेजी से आगे की ओर भाग रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद तत्काल घायल लोगों को नौगांव हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पे एक व्यक्ति को नौगांव में ही एडमिट रहा वो, बाकी अन्य को तीन को छतरपुर रेफर किया गया, और जिसमें से छतरपुर में एक की मौत हो चुकी है, बाकी दो इलाजरत है और पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, पुलिस के द्वारा सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? पुलिस के द्वारा एक्सीडेंटल FIR दर्ज कर ली गई है और भविष्य में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की जाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं अशोक सिवरे हूँ और मैं नौगांव ठेकेदार का छोटा भाई हूँ। मंजू राय मेरे यहाँ काम करता था, जो करीब 8 बजे एक पिकअप आई, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें एक चना वाला भी था और मंजू राय थे, जिन्हें यहाँ पे शिकायत करी गई और अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है यहाँ पे। और वाहन पिकअप थी, अज्ञात पिकअप थी, लेकिन पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है रात के। अब ये तो पुलिस ही, वहाँ चार लोग घायल हुए हैं, 4 से 5 लोग। ये क्या करते थे? ये सेल्समैन थे।